दोस्तों ऋतिक रोशन सर की एज अ लीड एक्टर पहली फिल्म आई साल 2000 में कहो ना प्यार है और इनकी पहली फिल्म ही दर्शकों को काफी पसंद आई और यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हो गई, मतलब गजब। इसी साल ही इनकी दूसरी फिल्म आई फिजा और दोस्तों यह हिट हुई थी। इसी साल ही इनकी तीसरी फिल्म आई मिशन कश्मीर और दोस्तों यह एवरेज रही। इसके बाद साल 2001 में फिल्म आई इनकी यादें और दोस्तों यह फ्लॉप रही। इसी साल ही ऋतिक रोशन सर की फिल्म आई कभी खुशी कभी गम और भाई साहब यह तो ब्लॉकबस्टर हुई थी। इसके बाद साल 2002 में फिल्म आई आप मुझे अच्छे लगने लगे और दोस्तों यह बुरी तरह फ्लॉप रही। वैसे यह फिल्म मुझे तो काफी अच्छी लगी थी। इसके बाद आई ना तुम जानो ना हम और भाई साहब यह बुरी तरह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई मुझसे दोस्ती करोगे और दोस्तों यह बिलो एवरेज रही थी। इसके बाद साल 2003 में इनकी फिल्म आई मैं प्रेम की दीवानी हूँ और दोस्तों यह फ्लॉप रही। इसके बाद इसी साल ही फिल्म आई थी कोई मिल गया और दोस्तों यह सुपरहिट रही। इसके बाद 2004 में आई लक्ष्य और यह फ्लॉप रही। वैसे यह काफी अच्छी फिल्म है दोस्तों। इसके बाद साल 2006 में इनकी फिल्म आई क्रिश और भाई साहब यह तो ब्लॉकबस्टर हुई थी। इसी साल ही आई थी धूम 2 और भाई साहब यह भी ब्लॉकबस्टर हुई थी। 2008 में मूवी आई जोधा अकबर और यह सेम हिट रही। 2009 में मूवी आई लक बाय चांस और इस फिल्म की लक बिल्कुल भी नहीं थी और यह फ्लॉप हो गई। 2010 में फिल्म आई काइट्स और दोस्तों यह फ्लॉप हुई थी। इसी साल ही मूवी आई गुजारिश और दोस्तों यह डिजास्टर हुई थी। 2011 में इनकी मूवी आई जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और दोस्तों यह हिट रही। इसके बाद 2012 में आई अग्निपथ और मेरे दोस्त यह तो सुपर हिट रही। इसके बाद 2013 में ऋतिक रोशन सर की फिल्म आई क्रिश 3 और भाई साहब यह तो ब्लॉकबस्टर रही। 2014 में मूवी आई बैंग बैंग और यह सेम हिट रही। 2016 में मूवी आई मोहनजोदारो और दोस्तों यह फिल्म डिजास्टर हुई थी। वैसे दोस्तों यह काफी मस्त फिल्म है। इसके बाद 2017 में मूवी आई काबिल और यह हिट रही। इसके बाद 2019 में आई सुपर 30 और मेरे दोस्त यह सुपर हिट हुई थी। इसी साल ही आई थी वार और भाई साहब यह ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद 2023 में मूवी आई है विक्रम वेधा और दोस्तों यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद ऋतिक रोशन सर की फिल्म आने वाली है फाइटर। तो दोस्तों यह था ऋतिक रोशन सर का अब तक का फिल्मी सफर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दे ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।